हेलो दोस्तों दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सिंपली आप अपने मोबाइल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर किसी से भी अपने एक फ्री में ब्लॉग पेज कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो अपने उसी ब्लॉग पेज को एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करके अपने पहले वाले ब्लॉग पेज पर चलते हैं। देखिए अपने पहले वाला ब्लॉग पेज ओपन हो गया है। दोस्तों सबसे पहले अपने व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके अपने पहले वाला ब्लॉग पेज देख लेते हैं। देखिए ये अपना पहले वाला ब्लॉग पेज ओपन हो गया है जिसको अपने टेक कंप्यूटर नॉलेज नाम दिया था। आपको अपने ब्लॉग पेज को वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए डाउनलोड करते हैं अपने एक टेम्पलेट। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करने की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे अपने बात करते हैं ये कितने प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव क्वालिटी के टेम्पलेट हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं इस टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ। दोस्तों आप किसी भी टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जाकर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये टेम्पलेट मेरा जिप फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, इसके लिए दोस्तों अपने फाइल फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसमें दोस्तों अपने ब्लॉग पेज पर वापस चलते हैं। तो दोस्तों वापस आने के बाद में आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहे हैं, सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको यहाँ पर रिटॉल का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों इस पर क्लिक करके आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा फोल्डर। फिर आपको तो दोस्तों इसके अंदर आपको XML फाइल को चूज करना होता है। तो दोस्तों देखिए ये मेरे यहाँ पर XML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको भी इस फाइल को चूज करना होगा। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद में आपका ये फाइल रिटोरिंग हो रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में ये थीम आपका अपलोड होने लग जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लग सकता है। अब दोस्तों अपने चलते हैं अपने पहले वाले ब्लॉग पेज पर। तो दोस्तों अब आपको सिंपली अपने ब्लॉग पेज को रीलोड करना होगा। तो दोस्तों देखिए ये थीम अपनोंने यहाँ पे अपलोड कर दी है और ये देखिए दोस्तों कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के फंक्शन भी मिल जाते हैं, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कई सोशल मीडिया आइकन भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहले का ब्लॉग पेज तैयार किया हुआ था, मेरा यहाँ पर पहले वाला ब्लॉग पेज का ऑप्शन भी दिखा रहा है। तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं कि अपने वेबसाइट पर अपने लोगो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों सिंपली इसके अंदर आपको लेआउट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर हेडर लोगो का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज फॉर कंप्यूटर का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और आपको कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट कर ली है, इसके बाद में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। चलते हैं अब अपने पहले वाले ब्लॉग पेज पर। अब आपको यहाँ पर सिंपली अपनी वेबसाइट को दोबारा से रीलोड करना होगा। तो दोस्तों देखिए ये अपने फोटो अपलोड यहाँ पर हो गया है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर थीम चेंजिंग फंक्शन के कई ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपनी थीम को एक अच्छा और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।